हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित खेरा। इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS SO ऑफिसर का नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आज आउट हो चुका है। अब मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ में पूरा आपको बता दूंगा कि इस बार क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कितनी वैकेंसीज हैं, कब आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो वो है 7 नवंबर से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक ओपन हो जाएगी और ये लिंक ओपन रहेगी हमारी 27 नवंबर तक। उसके बाद दो फेज़ में एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्री और मेंस होंगे। तो प्री का जो डेट दिया है इन्होंने, वो दिया है 21 एंड 20 दिसंबर, 30 और 31 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। मेंस होगा 28 जनवरी को। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा वो होगा फरवरी में, और अप्रैल तक फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये तो बात हुई इम्पोर्टेंट डेट्स की, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांच एप्लीकेबल है एसओ के अंदर। तो सबसे पहले है IT ऑफिसर, सेकंड है AO यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर, थर्ड है राजभाषा अधिकारी, फोर्थ है लॉ ऑफिसर, फिफ्थ है HR और पर्सनल ऑफिसर, और सिक्स है मार्केटिंग ऑफिसर। अब इसकी वैकेंसी भी मैं साथ में आपको बता देता हूँ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। अब जैसे IT ऑफिसर है, तो IT ऑफिसर में आपको EC CS IT की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, और इस बार जो वैकेंसी है वो है 120। AO की वैकेंसी जो है वो है 875, और आपको 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर ऑफिसर में, ठीक है, AO में एग्रीकल्चर में, या इंजीनियरिंग हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए कोई भी। फिर राजसभा अधिकारी की बात करें तो हिंदी में डिग्री होनी चाहिए आपकी, और इसकी जो वैकेंसी है इस बार वो है 30 वैकेंसी है। लॉ ऑफिसर में LLB की डिग्री होनी चाहिए और वैकेंसी जो है इस बार वो है 60। HR में आपका MBA होना चाहिए, और MBA से रिलेटेड जो भी HR में हम डिग्री लेते हैं, PIBM हो गया, वो भी आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है, PIBM हो गया। उसके बाद इसकी वैकेंसी जो है 35 है। सेम मार्केटिंग में भी MBA होना चाहिए और वैकेंसी है इसकी 195। ये तो बात हो गई हमारे वैकेंसीज़ की, कि कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन सी आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। अब बात करते हैं एज की। तो एज आपकी क्या होनी चाहिए, 20 ईयर टू 30 ईयर के बीच में ही होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो 27/11/2017 तक कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो रनिंग आप नहीं दे सकते अगर इसके पहले आपकी हो चुकी है 27 अक्टूबर से नवंबर के पहले, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वरना आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम पैटर्न पे चलते हैं। अब पैटर्न कैसा है वो देखते हैं, क्या चेंजेस हुए हैं इस बार पैटर्न में। चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो प्री में जो कि 3 सेक्शन होंगे, पहला हो गया इंग्लिश, सेकंड रीजनिंग, और थर्ड जो हो गया हमारा एप्टीट्यूड। अब देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 50 रीजनिंग के और 50 FT के। मार्क्स जो रहेंगे इंग्लिश के 25, FT के 50 और रीजनिंग के भी 50, तो 150 क्वेश्चन रहेंगे 125 मार्क्स के। टाइम लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 2 आवर। ये जो पैटर्न मैंने बताया ये एप्लीकेबल है IT ऑफिसर, AO के लिए और HR के लिए, ठीक है। उसके बाद सेम और हमारा मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा चेंजेस हैं प्री में, किसके लिए, लॉ ऑफिसर के लिए और हमारे राजभाषा अधिकारी के लिए। तो इसमें क्या चेंजेस हैं, देखिए इंग्लिश और रीजनिंग तो रहेगी रहेगी, FT के जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस आ जाएगी। FT के जगह बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो 50 मार्क्स की बैंकिंग रहेगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी टोटल इतना ही रहेगा, 150 मार्क्स और 125
5 मार्क्स का 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर का टाइम रहेगा इसमें भी। अब मेंस की बात की जाए तो मेंस में आएगा प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे आप आईटी ऑफिसर हैं तो आईटी ऑफिसर का नॉलेज होगा, एलएलबी हैं तो आपको एलएलबी का नॉलेज होगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टाइम लिमिट जो दी है इसमें वो दी है 45 मिनट। ये भी किसके लिए अप्लीकेबल है? आईटी, एओ, एचआर और मार्केटिंग के लिए। सेम राजभाषा और इसके लिए अलग है, उसमें क्या होगा वो देखते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज होगा ऑब्जेक्टिव, इसमें आएंगे 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और ये जो होंगे टोटल 60 मार्क्स के ही होंगे। साथ में प्रोफेशनल नॉलेज होगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ये होंगे 60 मार्क्स के। टाइम ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट दिया गया है और डिस्क्रिप्टिव के लिए 30 मिनट दिया गया है। तो ये हमारा किसके लिए है? लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ओके। 1/4 मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा जो आपने गेन किया है। तो ये बात हो गई हमारे सिलेबस की, वैकेंसीज की। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू की। अब देखिए इंटरव्यू में क्या होना है, एक्चुअली आप अगर मेंस क्लियर करते हैं, सबसे पहले तो आप प्री क्लियर करेंगे तो आपको मेंस में अपीयर हो पाएंगे। उसके बाद आप मेंस क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू जो होगा 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 80:20 की बनेगी। मतलब 80 मार्क्स जो रहेंगे मेंस के काउंट होंगे और इंटरव्यू के 20 मार्क्स काउंट होंगे। जैसे आपने इंटरव्यू में 80 मार्क्स पाए तो 80 का 20% हो जाएगा 16 मार्क्स, और मेंस में आपने अगर 60 में से 40 पाए तो 8 चौके 32, 32 मार्क्स ये हो जाएगा। तो तब जाके आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी, ओके। तो 80:20 का वेटेज रहेगा। तो इंटरव्यू में भी आपको यहाँ पे विशेष ध्यान है, और इंटरव्यू की एक बात ये भी है, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए चाहिए। तो 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरव्यू में। मतलब 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो 40 तो आपको चाहिए ही चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फाइनल मेरिट लिस्ट से, ओके। तो ये बात हो गई हमारे सभी चीज़ की। उसके बाद फॉर्म की बात की जाए फीस की, तो वही 650 रुपये होगी, ठीक है। तो आप फिल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7049240399, और नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मैं कुछ वीडियो आईटी ऑफिसर से रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज भी जल्दी ही अपलोड करना चाहूँगा, और एप्टी रीजनिंग के तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।